नाज़रीन, अमरीकी अखबार का कहना है कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने रूस जाएंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह की रूसी सदर से मुलाकात रवाना होगी। किम जोंग मुमकिन तौर पर बख्तरबंद ट्रेन के जरिए रूस जाएंगे। एयरपोर्ट्स में बताया गया है कि किम जोंग सदर पुतिन से यूक्रेन जंग के लिए हथियारों की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगे। अलबत्त मुलाकात के वाज़ेह मकाम के बारे में अभी कोई भी मालूम सामने नहीं आई है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर शुमाली कोरिया या रूस की तरफ से फौरी तौर पर कोई भी तबसरा नहीं किया गया है। ये मुमकिन मुलाकात उस वक्त की जा रही है जब व्हाइट हाउस की जानब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हमारे पास मालूम आते हैं कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अगर है कि अमरीका ने गुज़श्ता दिनों रूस यूक्रेन जंग में रूस को हथियार फरोख्त करने की सूरत में शुमाली कोरिया को खबरदार किया था। अमरीकी कौमी सलामती कौंसल के तर्जमान जान कर्बी ने कहा था कि अमरीका को यकीन है कि रूसी वज़ीर दिफा ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से जुलाई में होने वाली मुलाकात में उन्हें हथियारों की फरोख्त पर राजी करने की कोशिश की थी। जान कर्बी का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता माह रूसी सदर और शुमाली कोरिया के सरबराह के दरमियान खतूत का तबादला हुआ जिसमें दोनों ममालिक के तालुकात को उस्तवार करने का अज़म का इजहार किया गया था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।